आज के हमारे टाइटन साहिशा एंड पूना। अब दोनों में से किसी एक को आज यहीं से लॉकआउट कर दिया जाए। आज का अत्याचारी खेल जिसका नाम है निकल ले पतली गली। आप दोनों में से जो भी सबसे पहले अपनी सारी लाइट्स एक्टिवेट कर देंगी एंड फॉर्मिंग द वर्ड सेफ्टी वो सेफ हो जाए। 3, 2, 1 गो। ओ फेल दिया। बस ये तो खत्म हो जाएगा 5 मिनट में। बहुत खतरनाक खेला था तू। You can do this. साशा, पूनम, fantastically done. पूनम, आपको यहीं से लॉकआउट कर दिया जाएगा। Can I say something? मैं लॉकआउट होना चाहती हूँ और मैं पूनम को मेरी जगह देना चाहती हूँ। आप साशा को ऑफर लेती हैं? Do not listen to her. I fucking lost it. आज यहाँ लॉकअप के पहले सीजन से लॉकआउट होती है। वाह, साशा शिंदे इन द हाउस, क्या बात है, क्या परफॉर्म किया आपने, भारत की उत्तम प्रदर्शन शिंदे, वो भी खोद दी है, धन्यवाद दिए साशा शिंदे ने, छोड़ेंगे नहीं जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, वी आर द सुपर सर्वर, सुपर सर्वर इन द हाउस इन द जेल, I love you, Poonam. Poonam, 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 I love you, Poonam. You know I love you. And I will always, always love you. Aww. I love you, Payal. And now we will write it. Asma. Oh, thank you, Payal. Love you too. Asma. मजा आ गया, बहुत ही बढ़िया, जेल और खाली लगती है। बाहुबली थी तो आज। अरे यार झंडे गाड़ दिया साईशा शिंदे। वंडर वूमन। मतलब भमेरी बांध दी, क्या ही बोलूं। शी वाज द रियल वंडर वूमन मेरे सामने वो। या शी वाज। एक सेकंड के लिए शी डिडंट गिव अप। पता है कल तू खाली मेरे से बात कर लेती कि तुझे ये करना है, मैं थोड़ा तेरे को रोकती, तेरे को जो करना हाँ। था तू कर, तू मेरे से बात बैठी नहीं, मेरे को लगा मुनव्वर ने तेरे को ब्रेन वॉश कर दिया है। नहीं नहीं नहीं, मुनव्वर से तो मेरी इतनी बात भी नहीं हुई। तो मुझे लगा मुनव्वर ने तेरे को ब्रेन वॉश कर दिया, मेरे से बात क्यों नहीं कर रही, मैं तेरी दुश्मन थोड़ी हूँ आजमा। मैं भी थोड़ी आपके दुश्मन। हाँ तो मेरे से बात कर देती, थोड़ा मैं तेरे को फोर्स करती, तेरे को जो करना है तो करा। हम लोग अच्छे से रहेंगे, ये कुछ दिन बचे हैं बस। हाँ झगड़ा क्या करना है, गेम खेलो। यस गेम खेलेंगे, लेकिन अपना रिलेशनशिप रिलेशनशिप सही रखो ना। यप। उसको कितने मौके मिले सबसे दोस्ती करने के, और सबने इसको मौका कितना दिया। तब से मौके 5 बार ही धोखा दिया, 5 बार ही लड़ाई हुई है। सोच तेरा यूज कर रही है वो 4 दिन के लिए, 4 दिन का इस्तेमाल होगा तेरा, उसके बाद बिस्किट बिस्किट उसके लिए अभी भी गेम होना बच्ची। हाँ। उसको पता है सिंपति लेके उसको पूरी साथ लिया, अब उसको पता है कि आज तो मेरे साथ नहीं है, आज मैं अकेले लड़ेंगे मूड में मुझसे, वो समझ रही है गेम इज ऑन, गेम खेल बच्ची, ऐसा व्यतीत हो रहा है कि गेम खत्म हो रही है पर ऐसा है नहीं बच्ची। आज उस चुड़ैल को इस काले मटके में जाना होगा, इसके अंदर जाएगी आज, इसके अंदर बैठेगी वो। शिवम सुन ना प्लीज, शक्ति ए शक्ति मुझसे बात मत कर, शिवम प्लीज सुन ना, ए शक्ति नहीं, ए शक्ति मैं तेरे से कैसे बात करूं, काली शक्तियों का प्रकोप मुझ पर नहीं चलेगा तेरा। अच्छा तू बात नहीं करने वाला मेरे साथ। ओम शोम शाशा, ये नहीं करने वाला मेरे साथ बात, अब मैं किससे बात करूं, आजमा से बात करूं। कल क्या हुआ, कल एक टास्क था ठीक है, ओके। अब साईशा जब टास्क करती है, जब एस्केप रूट वाला टास्क हुआ तब वो अपसेट थी, वो नीचे आई, वो बोली कि टास्क के अंदर मुनव्वर ने फ्रेंडशिप में जो उसको बोला गया था वो बोला और उसकी वजह से उसका हार्ट ट्रिगर से हट गया। टिकट टू फिनाले टास्क में जो फिर से डोमिनोज जैसा टास्क है। शिवम तो सुन रहा है कि नहीं, मैं तो इम्पोर्टेंट तेरे लिए भी बोल रही हूँ। अच्छा तू फाइनलिस्ट है मगर उसके आगे भी मत घूर के मत देखो आराम से, कुछ डाउट डर लग रहा है। मैं कैमरा से बात कर लूंगी। ओके ओके, नहीं नहीं बोलो बोलो बोलो। तो जैसे डोमिनोज वाला टास्क टिकट टू फिनाले टास्क था, वैसे कल वाला टास्क टिकट टू फिनाले टास्क था।
तो डोमिनोज वाले टास्क में मुनव्वर को बुरा लगा कि उसके दोस्तों ने टास्क किया, उनको दोस्ती लानी थी और उनको मुनव्वर को वोट करना था, वो उनकी चॉइस है, शायशा की चॉइस है। दोस्त हैं क्या वोट समय से? ये आपके दोस्त थोड़ी हैं। नहीं बट आप एज अ कंपटीशन तो आपको आजमा को देना चाहिए था। मेरे को देना चाहिए था, पर तेरे को बात बताओ, आजमा देख खुद को तो वोट नहीं कर सकती थी, उसको तो मुझे वोट करना था और मैं उसको वोट करती। मगर मुनव्वर से मिलने के बाद खड़ा बहुत अच्छा लग रहा है फ्रेम में। मैं घुसने वाली उसके अंदर रात को। पहले उसमें नहीं, पहले इस मटके में घुस। घुसू कैसे? मटके में घुस। कैसे घुसू? कैसे घुसू? जादू टोना कैसे घुसू? कैसे घुसू? प्रकोप है इसके अंदर, बैठ बैठ इसके अंदर बच्ची, आज इस मटके में बैठना होगा। तू सुन ही नहीं रहा। ओम शोम शाशा, ओम भद्रकाली, तू बात ही नहीं सुन रहा। जय काली, जय भद्रकाली, इस मटके में बैठ। आपको मैं पूछना चाहती हूँ, दोस्ती असाइड, गेम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं प्रिंस नरूला से बेटर डिजर्व करती थी? नहीं, मुझे प्रिंस डिजर्विंग लगा इसलिए मैंने प्रिंस का नाम लिया। जैसे आपको प्रिंस डिजर्विंग लगा कंपटीशन, मेरे को पता है प्रिंस डिजर्विंग क्यों लगा। हाँ। क्योंकि मुझे पता चल गया था कि आप फ्लिप हो रहे हैं आपकी बॉडी लैंग्वेज से। शिवम ने मेरा नाम लिया तो आप मेरे अगेंस्ट बोलने लगे, आप इसका ऐसे ले रहे हो वैसे ले रहे हो, तब मैंने माइंड चेंज किया। अभी आपने मुझे बोला, देखो आपने कल क्लैरिफाई करा कि मैं प्रिंस नरूला को बोल चुकी थी। हाँ, बोल चुकी थी। तो फिर आपका माइंड मेरे काउंटर से तो चेंज नहीं हुआ ना? को भी मैं बोल चुकी थी। तो फिर आपका माइंड मेरे काउंटर से चेंज नहीं हुआ ना? काउंटर वाउंटर किसी का नहीं, मैंने सबको बोला था मैं तुम्हारा नाम लूंगी, तुम्हारा नाम लूंगी, तुम्हारा नाम लूंगी। तो ये आपकी गेम थी? यस, कि मैंने प्रिंस नरूला को वर्ड दिया था मैं तुम्हारा नाम लूंगी। हाँ, बट ये आपकी गेम थी। अभी भी वो लगी है मुझे भाई, उसमें पता नहीं कैसे पागल वागल है भाई, बांग खाती है मुझे लगता है। देखो डिबिया में छुपा लेके देता हूँ, दसवें हफ्ते में वो जाएगी डिबिया में लेकर ही आई। मैं अभी ये डिस्कस कर रही क्योंकि जेलर आके गया, जेलर ने बोला तुम लोगों ने एक दूसरे को क्यों नहीं वोट किया, तुम्हारी दोस्ती का तो मजाक उड़ गया, मतलब तुम कितने नकली लोग हो। हाँ। और वहाँ पर शायशा बैठ के दोस्ती की बात कर रही है जबकि वो शायशा ने खुद डोमिनोज वाले टास्क में दोस्ती की धज्जियाँ उड़ाई थी मुनव्वर का प्लैंक उड़ा के। तो कल बैठ के वो दोस्ती की क्या बात है? सब करेंगे ना। हाँ, तो मैं तो वो हमको गिल्टी फील करवा रहे, हमारे बीच में फूट डाल रहे और वो लोग एक होके अभी टास्क कर रहे हैं और दोस्ती का ड्रामा कर रहे हैं। आज भी देखो टास्क में, हाँ, तो अगर साइशा को हारना होता तो हार जाती, फिर हार जाती और पूनम हक से जीत के आ जाती वापस। टास्क करने के बाद टास्क में उसने पूनम को हराया, फिर जब टास्क में उसने पूनम को हराया फिर उसने बोला कि भैया पूनम को रहना चाहिए, मैं जा रही हूँ। तो ये बड़प्पन क्यों दिखा रही है? अगर तुमको टास्क में हारना है तो प्रॉपरली हारो। The game is done now. Yeah. गेम खत्म हो गया। It's about your personality. दिख गया तुम्हारी पर्सनालिटी, दिख गई कितने बैड है, दिख गए तुम यहाँ पे पहुंचे हो वही वजह से। यहाँ तुम ये तीन दिन में कुछ ऐसा नहीं उखाड़ लोगे, सच में कुछ ऐसा बदल नहीं दोगे। जो लोग तुमको 10 हफ्ते से देख रहे, 70 दिन से जो लोग देख रहे ना, सच में उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता तुम ये दो दिन में क्या करो। तुमको सपोर्ट करने वाला ना, तुम यहाँ का मर्डर भी कर दोगे ना तो तुमको सपोर्ट करेगा। बिल्कुल सही बात, काटा है मुनव्वर भाई। वो तो पूनम पांडे के जाते कोई रोया नहीं, जब पूनम पांडे थी तब उसको निकालने के लिए कोशिश कर रहे थे, रोती थी तो कोई उसको हेल्प नहीं करता था। हाँ। कोई उसके खाने के बारे में चिंता नहीं करता था, वो अपना चादर ऐसे सर पे रख के रोती रहती थी और वो इसको भाई बोलती थी और इसको एज अ भाई उसके लिए कुछ फर्क ही नहीं पड़ता था। तो उनकी दोस्ती तो नकली है आसमा, आपकी और मेरी दोस्ती असली है। बिल्कुल हो गया ना, अभी हम समझ गए ना एक दूसरे को। डन, अब नेक्स्ट टाइम अब कुछ भी हो गया क्योंकि देखो 5 दिन है, कल का दिन चालू हो गया तो फिर 4 दिन है। तो अगर कुछ भी एक्टिविटी आती है, कुछ भी आते है, एक दूसरे को बस इम्पोर्टेंस दे दो अगर मौका है तो। डन। जितने भी लोग मुझे देख रहे इस वक्त, सबको चांद मुबारक हो और बहुत सारा प्यार। आई होप तुम्हारा सबका रमजान बढ़िया गया हो। कल ईद का दिन है, कोशिश करना पड़ोसियों के घर में फुल खाना पहुंचे और सबके घरों में, सब अपने अपने पड़ोसियों का ख्याल रखो और अपने आसपास वालों का ख्याल रखो। ईद अच्छे से मनाओ, खुशी से मनाओ। मैं मिस कर रहा हूँ बहुत लोगों को, पहली बार है ऐसी ईद है जो अपनों से दूर है, तो डिफ़िकल्ट टाइम बट सेम टाइम आई एम हैप्पी। तो गुड नाइट दोस्तों, बहुत सारा प्यार और अब सुबह मिलते हैं।
ईद मुबारक अभी है ना, तू पायल से बैठ के आराम से प्यार से बात कर और जो तुम दोनों का जो हुआ है वो सॉल्व करो। रात को मेरे ऊपर कुछ व्हाइट व्हाइट टिश्यू पेपर फेंके गए थे और एक वो था क्या मट्टी का, वो आपने रखा था मेरे पैर के पास टिश्यू? नहीं मेरे को तो याद नहीं। याद नहीं? नहीं मैंने नहीं किया। सुनो 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 ये लोग कर गए, मेरा नाम लगा था तो मैं बोला कि ना मैं सो चुका हूँ तब इन्होंने किया होगा। हाँ तो बाथरूम से टिश्यू पेपर लिया, ये वाले बाथरूम से, और मैं सो रही हूँ तो मेरे ब्लैंकेट के ऊपर इधर उधर 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 पूरा पट्टी ऐसी बांध दी। बात कर रहे हो? और वो जो अपना मिट्टी का वो है ना तुम्हारा, जिसमें तुम कह रहे थे तुम जाओ तुम जाओ तुम जाओ, उसको मेरे पैर के पास रखा ऊपर बेड पे। आपको पता है बात? मुझे पता ही नहीं है ये बात। इन्होंने किया काम रात को। मैंने बोला तो जैसे भी किया जिसने भी किया मुझे डिस्टर्ब नहीं किया। कैदियो, तुम सभी इस लॉकअप में इसलिए आए थे क्योंकि तुमने बाहर की दुनिया में अपना एक निशान छोड़ा था। यस सर। किसी ने अच्छा छोड़ा तो किसी ने बुरा, इसीलिए तुम लोगों को 10 हफ्ते की सजा सुनाई गई थी। यस सर। अभी तक तुम लोगों ने इस लॉकअप में अपनी हरकतों से, अपने शब्दों से और अपनी मौजूदगी से एक छाप छोड़ी है। yes, sir. तो जेलर तुम्हें मौका दे रहे हैं इस जेल में अपनी आखिरी छाप छोड़ने का। पेंटिंग पेंटिंग क्या बात है। पिछले 10 हफ्तों में तुमने दीवारों को, मग्स को, सफाई और कभी किसी एक लॉक्ड आउट साथी की याद में यार्ड के टाइल्स को भी अपनी फीलिंग्स बताई हैं। बिल्कुल। यस सर। इस जेल की बेंचेस पर भी तुम्हारे नाम लिखे हैं। yes, अब देख रहे हैं। दीवारों पर दिनों की गिनतियां हैं और हर मिटाई बात में बीते पलों का साथ है। अब जब तुम सभी को लॉकआउट कहें या रिहा होने के लिए कहें, कुछ ही दिन बाकी हैं। जेलर इस लॉकअप का यार्ड एरिया तुम लोगों के हवाले कर रहे हैं। जेलर तुम लोगों को इंकरेज कर रहे हैं कि तुम लोग अपने जज्बातों की ग्रफिटी से इस यार्ड को भर दो। भर देंगे सर, भरने में तो माहिर हैं। इस काम के लिए जेलर ने तुम्हारे लिए कुछ सामान भी भेजा है। क्या बात है? थैंक यू जी। पेंट पेंट ओ बटरफ्लाई आ गई, स्प्रे पेंट होगा। सफाई। मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे ये चाहिए, ये दीवार चाहिए, ये इतना ऊपर का ब्लॉक, ठीक है? सब लोग एक एक दीवार ले लो। सही कह रहे हो। यस परफेक्ट। यस बैड एज डोंगरी वाला, ठीक
बैडस तो वहाँ पे लिख दिया, कुछ और लिख लेता। मैं पहले से सोच लिया था, बट मैं अभी तो इसको डेकोरेट करूँगा प्रॉपर। अच्छा रहेगा। अब हम इसको थोड़ा सा क्यूट बनाएंगे, बकवास कुछ भी लिखकर, इतनी बकवास लिखकर। देख लिया मैंने। ये बीच में कलर की वाटर को ना। नो टू स्मोकिंग। ओ व्हाटएवर। प्लीज न्यूज़पेपर साफ करवाना। ताकि फ्रेंड्स को पता चले हम सच में उनके लिए कुछ अच्छा फील करते हैं। झूठा नहीं, नाटक नहीं, रियल। She came, she went? She left. She left? She roared. Run? She ruled. ठीक है ले ले। तू तुझे हार क्या चाहिए? ले ले। क्या ले लेना, एक सेकेंड बस। इसके बाद फिर हार्ट नहीं बनाने का ऐसी? नो, क्योंकि मैं हूं विद हार्ट। ऐसी खूंखार लाइन लिखने के बाद हार्ट नहीं बना। ओह प्लीज। ए सर एक ही मिनट, मेरा हो गया। तेरा भी बहुत क्यूट लग रहा है। आई विल मेक मिस, आई विल मिस लॉकअप। चलो चलो चलो, मैं एक रिपीट लिखने दे। लॉकअप इज बूम बम। ये यार्ड एरिया अपने लिए इतना क्लोज हो गया ना, अब इसमें साला भी इतना कलरफुल लग रहा है ना ये भाई। अब छाप छूट गई, उन्होंने जो वर्ड यूज किए ना भाई, वो वर्ड मेरे को ऐसा जा रहे ना ऐसा दिमाग में कि आपने छाप छोड़ी है, अब आप अपनी ग्रेफिटी से यहाँ पे अपनी छाप छोड़ के जाओ। ब्यूटिफुल। एक दिन ऐसे जाने वाला है ना, इमोशनल कर करके भेजेंगे अभी बहुत यार। I will miss lockup. पता नहीं क्या होगा मेरा घर जाने के बाद। मुझे तो जब तक lockup बंद नहीं होता तब तक मैं तो ऐसे भी बाहर नहीं निकलने वाली हूँ lockup के। पता है कैसा फील आ रहा है, जब हमारा कॉलेज की पार्टी थी ना, हमें फेयरवेल दिया था लास्ट डे। या बट द बिगिनिंग ऑफ सो मेनी अमेजिंग न्यू थिंग्स।
आज जो फटी है शिवम तेरी, अब तो मुझे तेरा वीक पॉइंट पता चल गया शिवम, तुझे धमकियां लगाऊंगी मैं। जा बोल दे जो बोल, तेरा सीक्रेट बोलूं? मेरा वीक पॉइंट कोई नहीं है मेरे बच्चे, मेरा वीक पॉइंट ये है कि मेरा कोई वीक पॉइंट नहीं है, मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता। जा जो मर्जी बोल। कि तूने वीडियो कॉल पे क्या बोला था? हाँ बोल बोल, क्या बोला था तूने, क्या किया था वो भी तो बता। फिर मैं इसको एक दिन रात को 2 बजे वीडियो कॉल किया आफ्टर बीइंग बोल क्या बोला था तुझे, बोल तू बोल, तू मैं बोलता हूं तेरे बारे में, तूने क्या बोला था? ये बोला पहले तू बोल, कैन ही डजंट रिमेंबर क्या बोला है, पहले तू बोल फिर मैं। ऐसी ऐसी बातें ये नशे में करते हैं, मैं क्या बताऊं, मतलब ये चम्मच फेंक के मारूंगा, चम्मच फेंक के मारूंगा, समझ गया तेरे को मैंने मना किया तो मत कर। पार्टी होने वाली है, लॉकअप के बाद पार्टी होगी, तो ये पी के क्या तमाशे करेगा, मैं वो सोच के आज टेंशन ले रही थी। शादी होनी है, मत कर, रिश्ते तोड़ जाएंगे। तू पीछे आ गया, मैंने धमकी लगा दूंगी सीधा। स्वाद बना वैसे, पर खाना अच्छा बनाती है, इसमें थोड़ी शादी कर लूंगा तुझसे मैं, क्यों है कि नहीं? कांड सुन के वैसे भी तुझसे नहीं करने वाली, समझा? तू फिर पागल वाला वापस, ये वापस उधर ही, मैंने मना किया है ना, मत कर, क्यों मेरे से शादी करेगा? वापस उधर ही जा रही है, वो कह रही तू, वो जबरन कह रही तू मेरे शादी कर। हाँ तो कर ले, नहीं तो बोल दे। अभी इसको सीक्रेट भी पता है तो फिर अच्छी बात। तू चाहती है 5 मिलियन लोगों के सामने वो बोले, तेरे को हर चीज का एक्सेप्ट कर रही है वो। चल तो तू क्यों बोल रहा है मुझे शादी नहीं करेगा? कर लूंगा, कर लूंगा। ईद मुबारक और अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छा कर रहे हो तुम लोग, एंड पहले तो भाई ईद मुबारक सबको, मैं पर्सनली सबको ईद मुबारक, अक्षय तृतीया, ईद मुबारक भाई, अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू भाई, सेम टू यू, गॉड ब्लेस यू यार, गॉड ब्लेस यू। सो ओके, आज ईद है और अक्षय तृतीया है, तो पहले गिफ्ट्स की बात करते हैं थोड़ी। yeah! Yeah! आज हमारी एकता मैम जो है वो बहुत, उनका दिल बहुत बड़ा है यार। सो ऐसा हो नहीं सकता कि गिफ्ट्स ना दें। मैं चाहूँगा कि आप लोग आए यहाँ पे। अच्छा, आप कोई भी गिफ्ट आके उठा लें, सब सेम है। अपने अपने गिफ्ट, एक बाय एकता, एकता मैम की तरफ से सबका, चलो ले लो। क्या बात है, कोपो बॉटल, कोपो मग, वो ये बॉयज गर्ल्स टीम है कि क्या सीन है? ब्रिंग इंडिया, ब्रिंग इंडिया, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच कपूर साहब। जेल बहुत ही ज्यादा तुम लोगों ने लाइट अप कर दिया पूरा, है ना, माहौल एकदम। बस कितने दिन हो गए यहाँ पे अभी? 68 अच्छा चल रहा है, आप लोग इतने अच्छे दिख रहे हो, अच्छे कर भी रहे हो और अच्छे दिख भी रहे हो। थैंक यू ब्रो। और तुम आ गए फाइनल में? फर्स्ट फाइनलिस्ट। तो फाइनलिस्ट, मुझे याद आया कि आज एकता मैम ने आपके लिए कुछ भेजा है। क्या बात है, प्लीज ले आइए आप। वाह, वो तो क्या बात, क्या है ये जो है, इवला यार, ओ यस, मैं यहां पे, यस, हर हर महादेव, ये देखो मैं आ रहा हूं, मैं वहीं पे आ रहा हूं। पहले तो थोड़ा सा वैल्यू समझाता हूं तुम्हें यार, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 सात लोगों में से ये एक मैं दे रहा हूं अभी, है ना? तुम पहले फाइनलिस्ट हो। यस ब्रो। और क्या किया तुमने इसको हासिल करने के लिए? सब कुछ दे दिया अपना दिलो जान से, जो अभी भी दे रहे हो। ऐसा तो नहीं है कि फाइनलिस्ट बनने के बाद बहुत ग्रांटेड लेने लग गए? नहीं, मेरी जान, दो सारी आत्मा, प्रेत आत्मा, मेरी बच्ची, ये सारी प्रेत आत्माओं को भगा रहा हूं मैं यहां से, पूरी रात भर इतनी मेहनत कर रहा हूं मैं। अमर बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। तो एकता मैम, तुम्हारे लिए स्पेशल एक ये चीज, एक गिफ्ट,
तुम बहुत नेगेटिविटी से गुजरे भी हो यहाँ पे. थैंक यू सो मच. एंड आगे भी बहुत नेगेटिविटी आएगी जिससे तुम्हें बच के फिनाले के स्टेज तक पहुँचना है. सो ये एक इविल आई नेकलेस है. तुम किसको पसंद करते हो यहाँ पे सबसे ज्यादा? अरे मैं तो अभी आया हूँ, वैसे कौन है वैसे भाई, मैं अभी चल जाऊंगा, आधे घंटे में चल जाऊंगा मैं. ये बहुत अच्छे इंसान. और किसको नहीं पसंद करते? किसको नहीं पसंद? ऐसा कुछ नहीं, पसंद सबको करता हूँ मैं. पर किससे भिड़ते हो? भिड़ता तो इन्हीं से ही हूँ. किससे? इन्हीं से, पायल जी से. तो फिर पायल जी आप अपने हाथों से साक्षात बनाइए इनको. आज रात को मुझे आराम से सोने देगा. चलो मैम पायल जी बना. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच. आशीर्वाद. दो दिन पहले एक एक्टिविटी हुई थी जिसमें प्रिंस भाई और आजमा घर के कैदियों ने आप दोनों को अगले फाइनलिस्ट के लिए चूज किया था. यस. उसके लिए बाहर वोटिंग चल रही थी. हाँ. देखो एक लॉकेट और है हमारे पास यहाँ पे ये पड़ा. बाकी जो पांच लोग खड़े हैं बताइए किसको मिलेगा प्रिंस भाई और आजमा में से ये लॉकेट अगला. मैं चाहती हूँ कि प्रिंस को मिले, लेकिन मुझे लग रहा है कि आजमा को मिला होगा. ये अच्छा जवाब दिया. आप भी बताओ कि क्या चाहते हैं और किसको मिलेगा. सेम ही चीज है. सेम है आपके लिए? प्रिंस भाई को ही मिले क्योंकि आजमा को एक वो जो रेस है जो सब भाग रहे वो रेस में रहना चाहिए. तो मैं चाहता हूँ कि प्रिंस भाई को मिले, बट आजमा को मिलेगा तो भी मैं सेम खुशी होगी. आजमा का तुम खुशी सेम? नहीं ये ऐसे मत खेलो भाई. आप चाहते हो कि वो भागे रेस में ताकि तुम आउट कर दो? नहीं आउट नहीं कर दो. आउट तो ऑब्वियसली सबको ही करूंगा. तो मुझे ये है कि वो भागे. मैं चाहती हूँ कि प्रिंस को मिले, बट मतलब उसकी फैन फॉलोइंग है वो. अच्छा. वोटिंग भी अच्छी आ रही होगी तो शायद उसको मिल सकता है. वो फैन फॉलोइंग इस हर शो की अपनी फैन फॉलोइंग होती है, ये सबसे बड़ी बात है. हम कितने भी शोज करके आए हैं उसे फर्क नहीं पड़ता. जो पहले हफ्ते या सेकंड वीक से मेहनत कर रहा होता है वो हमेशा एक स्टेप आगे होता है. तो मैं तो अभी दो हफ्ते पहले आया, लेकिन आपको पता है कि बाहर क्या चल रहा है. अरे पायल आपको क्या लगता है? मैं चाहूंगी आजमा को मिले, बट मुझे लगता है कि प्रिंस नरुला जी पांच शो के विनर हैं. तो अगर वो आजमा को मिले, थोड़ी देर पहले जब हमने बात करी मैं तो चाहूंगी आपने कहा था बट आपको मिलेगा. अच्छा ठीक. बिकॉज वो मेरा गट फीलिंग कह रहा तो मैं बता दूं किसको मिलेगा. सीपी लो रहा है आज. दोनों में से जिसको भी मिलेगा उसका तो नाम ऑडियंस ने डिसाइड किया क्योंकि वोटिंग्स ऑन थी. एंड अभी भी सबकी वोटिंग्स ऑन है गाइस बाय द वे. लेकिन अभी तक आप दोनों में से जो लीड में हो ये लॉकेट उसको मिलेगा. मैं कोई ट्विस्ट एंड टर्न नहीं करूंगा. देखो यार सिंपल बात है, कट टू द पॉइंट है ना. तो लॉकअप का सेकंड फाइनलिस्ट जो है प्रिंस को बोल देंगे. इतना मेरे को आजमा दो. Yes, yes. Wow, congratulations. Eid Mubarak. आजमा क्या कहा था मैं तेरे को? ये लो. हाय अल्लाह जी. हाँ हाँ तो ये जाके प्रिंस भाई को पहना दो. Seriously? तो लॉकअप का सेकंड फाइनलिस्ट है प्रिंस नरुला. प्रिंस भाई बट यू डन अ ग्रेट जॉब. तुमने बहुत टक्कर दी है. लाओ तुमने बहुत टक्कर दी है आजमा. ऐसी कोई बात नहीं है, अभी तो वोटिंग चल रही है यार, बाहर कोई नहीं हुआ. बट तुझे ही शौक था कंपटीशन में स्ट्रॉन्गेस्ट के साथ आने का. ये मुझे पता था कि कुछ तो झोल है, बस मेरा नाम आया है तो शायद. चलो अभी भागो रेस में जरा. थैंक यू एकता मैम, एंड आई होप आपको अच्छा लग रहा है कि जैसे हम खेल रहे हैं. और आपके लिए कुछ भी, ये लॉकअप अगर चार महीने और चलता तब भी हम ऐसे रहते. थैंक यू. तो हमारे पास लॉकअप के दो फाइनलिस्ट थे इस समय. दोनों साथ साथ खड़े हैं. कांग्रेचुलेशन आप दोनों को गाइस. एक राउंड ऑफ अप्लॉज. थैंक यू. लेकिन अभी भी रेस चालू है. फाइनलिस्ट होने का मतलब ये नहीं है कि ट्रॉफी किसी और को नहीं मिल सकती. यस. तो फिनाले वारंट मंगवाया जाए प्लीज. कैसे लग रहा है आपको? सो गाइस मैं एक चीज बताता हूँ. चलो कभी भी किसी चीज़ के लिए ऐसे नहीं बोलते कि ये लोग कितने काम कर चुके हैं, कितने कम कर चुके हैं. हमारे सामने आज भी मैं भी काम करता हूँ और मैं कभी किसी छोटा नहीं समझता. ये हमारा छोटा बेबी है. आज इस शो में ये आया और वहाँ खड़ा है. मैं इतना खुश हूँ कि भगवान सबको ऐसी तरक्कियाँ देता रहे, आप सबको भी ऐसी मिले. जब अगली बार लॉकअप हो कोई भी शो आप ऐसे ही जाएँ. भगवान आपको इतना काम दे, इतना काम दे, आप कभी फ्री ना बैठे. तो भाई ये आपका जो है वारंट है, तो आप प्लीज़ खोलिए, पढ़िए, देखिए इसमें क्या लिखा है. भाई आओ इधर आके बोलो ना भाई. एक मिनट कैमरे के आगे. फोटो बहुत सही है यार. ये है लॉकअप का वारंट. प्रिंस नरुला का ट्रबल मेकर
मैं पहुंच चुका हूं, बन चुका हूं सेकंड फाइनलिस्ट, और करण भाई के साइन, कंगना मैम के साइन, और थैंक यू वंस अगेन एक मैम. एंड सबसे ज़्यादा थैंक यू बोलूँगा जनता को. थैंक यू जनता, हमेशा मुझे सपोर्ट करने के लिए, बहुत सारा प्यार देने के लिए. मैं कहीं पर भी जाता हूँ, आप हमेशा मेरे साथ रहते हैं. थैंक यू सो मच. कांग्रेचुलेशन. थैंक यू. गाइस खुश हो ना आप लोग? yes. खुश हो? yes. Yes. उनको मिला है, आप लोग खुश हो? उसको भी मिलता खुशी हो. एक सेकंड, जो जो खुश है ना उनके मिलने के बाद, तो फिर भाई तुम लोग शो में, मतलब व्हाट आर यू गाइस डूइंग? नहीं नहीं, ये कंपटीशन है यार, सिलेक्शन हुई. हाउ कैन यू गाइस बी हैप्पी नाउ, यू जस्ट हैव टू वर्क हार्डर. वही तो, इसलिए तो खुश है कि कंपटीशन में तगड़ा आदमी चाहिए. तो गाइस आप लोगों, एक अभी जो बचे, एक दो तीन चार पांच लोग है ना, पांच में से तीन लोग जाएंगे. तो पायल आपके राइट में कपड़ा है, उसको प्लीज अब जाके हटाइए. चार और हैं, छह लोग हैं. मैंने क्या कहा था, फाइनल दिन तुम छह हो गए. एक दो तीन चार पांच छह सात लोग हैं ना, दो फाइनलिस्ट बन गए हैं. बचे कितने? पांच. पांच वो कितने लॉकेट्स हैं? चार. चार क्या हो सकता है? एक जन जा रहा है. ओह गॉड, अभी जा रहा है एक जन. नहीं अभी तो नहीं जा रहा. मत करो ऐसे, मैं कहीं नहीं जा रही भाई. मैं बोलता हूँ एक को लेके जाओ. चलो पहले जेल देखते हैं. एक काम एक काम कर, मैं तेरे को वारंट वापस देता हूँ, इसको ले जा. आ जाओ आ जाओ भाई, जेल लगा मिलकर. थैंक यू भाई, थैंक यू. आ जाओ आ जाओ. वाह यार, तुम्हारा मतलब ये नेक्स्ट लेवल है भाई, ये तो और भी पागलपन है यार. लॉकअप्स जेल. आ जाओ भाई किचन. आपको तो मोस्टली सब बेसिक पता ही है कौन सी जगह क्या होती है. यहाँ की सबसे एक बीटी एक ही है, यहाँ पे टाइमिंग्स है. इस घर में और उस घर में सोने के टाइम पे उठ के बाहर आ जाओ. यार्ड एरिया में भी रहने के टाइमिंग्स है, बैरिक्स में भी रहने के टाइमिंग्स है. मतलब तुम उस टाइमिंग के अलावा नहीं जा सकते? नहीं. माय गॉड, वैसा थोड़ा सा तो वो सबसे बड़ी बीटी. कुछ मीठा वगैरह नहीं बनाया? शीरखुरमा है. अगर आउट बैठे टेबल पे, सब मीठा ले लो थोड़ा थोड़ा, टेबल पे बैठ के बातें करते. बैठो गाइस, आप लोग भी बैठो थोड़ा यार. निकालो, शो देख रहे हैं. सब देख रहे हैं भाई, चिंता मत करो. घी डाला इसमें भाई, आज खास घी दिया है खाना बनाने के लिए. हल्के में नहीं ना, प्यार मोहब्बत किसके बीच में? बिल्कुल ही नहीं. ये लव ट्रायंगल कौन सा? ये वाला नहीं. नहीं मेरा तो अफेक्शन. हां तुम तीनों का? ये इन तीनों का. तुम तीनों का? नहीं 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 भाई, था ना भाई चौथे वीक तक तो था. ये तीनों का भी था, ये अभी टूटा है. तीन चार ये तीनों का है, ये तीनों का भी था. अच्छा तुम्हारा लव ट्रायंगल, तुम्हारा पहले भी किसी के साथ लव ट्रायंगल था? मैंने देखा था कागज के टुकड़ों से तुम हार्ट वाट बना के लिख रहे हो. रात गई बात, गले मुड़ के मत उखाड़ यार, अबे तकलीफ भाई. बाहर दुनिया चल रही है. तो अभी क्या बोला? चौथे हफ्ते तक तो था, तो तुमने अपनी बात तेरे को लाने का. पहले तो तुम मेरे को कोई अच्छी शायरी सुनाओ, फिर मैं तुम्हें एक शायरी सुनाता हूँ. बाहर क्या चल रहा है? लोग सोचते हैं कि सिर्फ इश्क ही सब कुछ है, तो मैं दोस्ती, मतलब वी हैव अ गुड बॉन्ड, तो दोस्ती के लिए कह देता हूँ कि दोस्ती की महक इश्क से कम नहीं होती. और इश्क पे जिंदगी. दोस्ती पे वहां और इश्क पे यहाँ क्यों आए? ये आज ये चल रहा था ना, क्योंकि इनकी दोस्ती की महक इश्क से कम नहीं होती. अरे यार तुम मेरे को फंसा दो फिर से. दोस्ती की महक इश्क से कम नहीं होती, और इश्क पे ही जिंदगी खत्म नहीं होती. साथ हो जिंदगी में अगर अच्छे दोस्तों का, तो जनाब जिंदगी भी किसी जन्नत से कम नहीं होती. ये जन्नत में लेके जाएगा भाई तुम सबको. जन्नत जहां, सबको जन्नत ले जाएगा भाई ये बात. भाई नहीं, इनकी जाके शादी है, इसके पापा बोल गए, उसकी मम्मी. ओ यार मेरे पापा का बोल गए. सबसे बड़ी बात इसलिए इसने भी हाँ करी, उसे लड़का है फाइनेंस का काम, और इससे ज्यादा अच्छी रिकवरी कोई नहीं कर सकता. वसूली उधर भी नजर डालती है लुटेरी दुल्हन. देखा मैं, बोला ना नजर उधर ही है. चलो छोड़ो, देखो शिवम की शायरी हो गई, बाहर एक और इंसान की शायरी चल रही है. मुनव्वर फारूक. मुनव्वर. यस भाई. मुनव्वर कुछ सुना दो. बढ़िया बढ़िया दमदार, यू नो पावरफुल. एक शायरी लिखी आपने, सुनी है? सुनाओ. एक शायरी लिखी है, कभी मिलोगी तो सुनाऊंगा. तेरी सीरत साफ शीशे की तरह, मेरे दामन में दाग हजारों हैं. क्या बात है. तू नायाब किसी पत्थर की तरह, मेरा उठना बैठना बाजारों में. तेरी मौजूदगी का एहतराम कर भी लूं, जब तू होगा रूबरू मैं ये जज्बात कहाँ छुपाऊंगा. एक शायरी लिखी है, कभी मिलोगी तो सुनाऊंगा. क्या बात है. आगे का एक उम्र लेकर आना, मैं खाली किताबें ले आऊंगा. तोड़ कर लाने के वादे नहीं, मैं अपनी कलम से सितारे सजाऊंगा. इस जमीन पे खास कोई है नहीं मेरा, तू एक बार कबूल कर, मैं अपने गवाहों को आसमान से बुलाऊंगा. एक शायरी लिखी है, कभी मिलोगी तो सुनाऊंगा. क्या बात. मेरे सब्र की इंतहा पे शक कैसा, मैंने तेरे आने पे ताउम्र लिखी है. एक शायरी लिखी है, कभी मिलोगी तो सुनाऊंगा. कई रात से सोया हूँ अंधेरों में, तुम एक जरा सा नूर ले आओगे. मेरे तकिए गीले हैं आंसुओं से,
क्या मुझे तुम अपनी गोद में सुलाओगे? सुना है बाग है तुम्हारे आंगन में, मेरे लाहासल बचपन को वो झूला दिखाओगे? मैंने खोया है अपनी हर प्यारी चीज को, मैं अपनी किस्मत फिर भी आजमाऊंगा। एक शायरी लिखी है, क्या बात, कभी मिलोगी तो सुनाऊंगा। और कितना मिलोगे? कितना मिलोगे भाई? भाई कभी मिलोगी तो सुनाऊंगा, तुमने चार बार पांच बार तो बोले कभी मिलोगी तो सुनाऊंगा, तो कितना मिलोगे? और कोई और है क्या? हाँ बिल्कुल, ये किसी और के लिए है भाई, उसके पास हम लोग दोस्ती है अब हम लोग। अच्छा भाई, हम लोग दोस्ती है। हाँ, ये कैसी दोस्ती है भाई? ये दोस्ती है कुछ थोड़ा बहुत हम लोग की जो दोस्त यहाँ पे, तो इनको तो नहीं सुनाने की बात करे तुम कहीं? नहीं, ये भी दोस्ती है भाई। साक्षी के सिर्फ मैं हूँ यहाँ। देख तो भाई, तुमने तो एब्स बनाने की पूरी तैयारी कर रखी है बाहर जाके भाई, तुम्हारे भी एब्स होंगे भाई, भी एक्सपीरियंस है बहुत इस मामले में। तो पहले तो अपने अपने कमीजें उतार दो, तुम भाई मेरे से मत उतारना भाई, तुम्हें भी उतारनी पड़ेगी। नहीं भाई, अब यार देखो, कभी मिलोगे तो सुनाऊंगा, कभी मिलोगे तो सुनाऊंगा, अभी मिलेगी ना बिरयानी तो क्या हो गया भाई? मुनव्वर फारूकी शर्टलेस, मुनव्वर फारूकी शर्टलेस, मुनव्वर फारूकी शर्टलेस। उतारो बिरयान, वो अजमा भी कह रही है पायल भी कह रही है। क्यों करवा रहे हो तुम? उतारो तो सही यार, तुम देखना बाहर जाके इसका रिस्पॉन्स, इसकी ताकत देखना भाई, ये देखो वो। फिर अंदर क्यों किया है? क्या बात है, साथ लो भाई, निकल के अंदर करूं। शिवम आ जाओ भाई, प्रिंस भाई आप भी आ जाओ। तो प्रिंस भाई जो है अभी भाई रिकॉर्ड रिकॉर्ड मत कर, नहीं नहीं तुम्हें मारने हैं पुशअप्स और काउंटिंग करेंगे प्रिंस भाई, अपने हिसाब से पुशअप्स लगवाएंगे भाई। चलो अरे भाई, दोनों आ जाओ पुशअप पोजीशन में आ जाओ। चलो मुनावर, चल अभी देखना कि तुमने जिसने ज्यादा पुशअप मारे उसके पास ट्रॉफी आएगी। तुम ये सोचो कि ट्रॉफी की चांस है ये लास्ट। कम ऑन शिवम, कम ऑन मुनावर, वन, क्या बात है, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, एट, मैं चलो गाइस कंटिन्यू रखो, कंटिन्यू रखो भाई, इंजरी हो जाएगी, मत करो, इंजरी हो जाएगी, आराम से आराम। अरे भाई वो देखो बस घोड़ा बनने का चलेगा क्या? बस घोड़ा बनने भाई, लोअर बैक पे नहीं बैठते, आगे बैठते हैं, इंजरी हो जाती है। तो अब वो घड़ी आ चुकी है, सात लोग, दो ऑलरेडी फाइनलिस्ट, चार पेंडेंट वहां पड़े हैं ना। सबसे एक एक करके पूछूंगा कि तुम्हें क्या लगता है कि कौन नहीं जाएगा फाइनल में और किसको तुम नहीं चाहते जाना। अंजलि कम ऑन, मैं चाहती हूँ कि आजमा ना जाए, ओके, बट मुझे लगता है कि साइशा नहीं जाएंगे। ओके साइशा, मैं चाहती हूँ कि पायल ना जाए फाइनल्स में, और मुझे लगता है कि शायद आज आजमा का लास्ट डे हो सकता है। क्या लगता है भाई? लगता है, लगने पे मुझे ये लगता है साइशा और आजमा ये दो जन के बीच में हो सकता है। लास्ट जो अरीना में कल हुआ है वो देखने के बाद आई फील कि आजमा के चांसेस अभी ज़्यादा लगते हैं कि वो ना जाए फिनाले में, बट अभी मुझे फील होता है हम सभी बहुत ही स्ट्रांग और वहाँ पहुँच चुके हैं कि कोई भी आ जाए, लेकिन मैं चाहूँगा पायल ना जाए फिनाले में। रीज़न तो मेरे चाहने से क्या होता है? रीज़न पायल स्ट्रांग कॉम्पिटिशन एंड आई डोंट लाइक हर एट ऑल। माई गॉड, एट ऑल। अभी तक राइवलरी चल रही है? राइवलरी नहीं है, आई डोंट लाइक हर, जो करना है कर ले, मैं तो फिनाले जा रही हूँ। मेरे हाथ में नहीं है, मैं तो चाहता हूँ। Feelings are mutual. I can't stand him. You know why I can't stand him. You must have seen everything outside. क्या देता हूँ ये नाम अभी चेंज हुआ मेरे? नहीं listen, मैंने उसका नाम लिया, ये नाम चेंज हुआ। नहीं listen, मैंने ये शो में दो हफ्ते पहले भी कितनों को बोला है कि मैं चाहती हूँ कि मुनव्वर फाइनलिस्ट ही ना बने। ये मुझे बोलता है कि मैं तेरे को फाइनलिस्ट देखता हूँ मगर विनर नहीं देखता। मैंने इसको बोला मैं तो तेरे को फाइनलिस्ट भी नहीं देखती, विनर देखने की तो बात ही और है। तो ऑब्वियसली फैक्ट्स फैक्ट्स, ओहो हो, तो मुनव्वर फारूकी नहीं जाना चाहिए फाइनलिस्ट में, मगर आज जाएगा, अगर कोई जाएगा तो साइशा शिंदे, बिकॉज कल अरीना में वो खुद गिव अप करने को तैयार थी। सो व्हेन अ कंटेस्टेंट, चाहे दोस्ती हो, चाहे दिखावा हो, चाहे टास्क हो, साइशा शिंदे वी गो आउट बिफोर एवरीबडी एल्स ऑन दिस प्लेटफॉर्म। क्या लगता है मुनव्वर, वो चाहती नहीं कि तुम जाए, तुम जाओ, आप कुछ कर रहे हो उसको रोकने के लिए? लेकिन किसको? मुनव्वर को रोकने के लिए। अरे कितना तो कर रही हूँ और कितना करूँ, बेचारे का दिल दुखता है, आपको लगता है कि ये काफी है उसको रोकने के लिए? इसको रोकने के लिए देखिए अभी क्या है,
इन लोगों ने एक वो बना लिया है कि पायल बिच एग्रेसिव है, पायल लड़ती है, पायल से ढंग से बात करो तो चिल्लाने को आती है। तो मैंने सोचा बिचारों को क्या, इन बिचारों का जिनका दिल दुखता है इतना पायल की आवाज से, नॉर्मल कन्फ्रंटेशन से, तो बिचारों को थोड़ा एक दिन का गैप दे दूं। प्रिंस भाई आपको क्या लगता है? मैं फैक्ट्स में आता हूं, मेरे को लगता है मेरे में तीन नाम थे, साइशा, आजमा और पायल। अगर वोटिंग पे जाएगा, बिल्कुल प्योर वोटिंग होगी, तो मुझे लगता है पायल को बहुत कम वोट पड़ती है बाकी सबके अकॉर्डिंगली, तो पायल होगी। अगर उसके अलावा कोई, मुझे लगता कि जो जाने चाहिए, मुझे लगता है कि पायल जानी चाहिए और साइशा भी जानी चाहिए, और बाकी ये दोनों भाई, दोनों में से कोई एक अगर आपको चुनना हो तो जो सबसे ज्यादा आपको लगता है कि जाना चाहिए, जाना ही चाहिए इन सब में से, ये आपको लगता है या चाहते हो? ना, मुझे लगता है। और चाहते क्या हो भाई? चाहता हूँ मैं आजमा चली जाए फटाफट चली जाए भाई, ये तो हो गया मजाक। अभी सीरियसली बताओ कि कौन जाना चाहिए आपके हिसाब से, क्या क्या चाहते हो कि जाए भाई ये बंदा, बस बहुत हो गया इसका, मेरे को ट्रॉफी चाहिए, अब ये जाएगा तो मैं ज्यादा सुकून से ट्रॉफी उठा पाऊंगा। तो अगर ऐसी बात है, अगर जाए ना, तो फिर तो मैं कहूंगा मुनावर जाए, तो सुकून से ट्रॉफी उठा पाएंगे, क्योंकि क्योंकि क्या होगा, इजी देख बताता हूं, अगर कंपटीशन लेते हैं, अगर कंपटीशन, मेरे को लगता है कि इन सब में से सबसे स्मार्ट प्लेयर जो है वो है मुनावर। थैंक यू भाई, ठीक है, जो अच्छे से गेम खेलता है, जिसको गेम की सेंस है, जो बात करता है, तो मुझे लगता है उस बात की वैल्यू है इन सब में से। तो भाई मुझे लगता है कि पायल जी जाएंगी, बट मैं चाहता हूँ कि साइशा जी जाएं, सॉरी मेरी सबसे अच्छी दोस्त यहाँ पे साइशा ही है, क्योंकि वो कल जैसे कि हम लोगों ने अरीना में देखा, जब पूनम जी को हराया उन्होंने, तो वो चाहती थी कि पूनम जी ही जीत जाए उनकी तरफ, उनकी जगह लॉकअप में आ जाए वापस, बिकॉज शी वॉन्टेड टू लीव एंड शी वॉन्ट टू गो बैक होम। तो अगर जिसको, दैट वाज नॉट माय रीजन, तो बट नहीं, एट द एंड ऑफ द डे मकसद क्या था, आई डिड नॉट वांट टू गो होम, माय थिंग वाज बिकॉज आई प्लेड विद माय हार्ट थ्रू आउट, मैं चाहती थी कि मेरी दोस्त मेरी जगह ले ले, तो क्यों ले जगह, डिफरेंट इक्वेशन, जगह क्यों ले ले, से मैंने वैसा ही गेम खेला, अगर आपने पूनम को हरा दिया, मैंने ये नहीं बोला कि मैं गेम से थक गई हूं उससे मुझे घर जाना है, नहीं, मैंने बोला था कि मैं मेरी दोस्त को ये जगह देना चाहती हूं, जितनी शिद्दत मेरी ट्रॉफी उठाने की है, मुझे नहीं लगता उतनी यहां पर किसी और की है, इसलिए मुझे कल उनकी शिद्दत नहीं दिखी, तो मैं चाहता हूं कि वो जाए, दैट इज फाइन। साइशा, फिनाले इज राइट अराउंड द कॉर्नर, आई नो, आपके मुंह से निकली हुई हर बात जो है ना वो सच हो सकती है, सो नेवर गिव पीपल आउटसाइड वॉचिंग यू हु लव यू a reason. Yeah. प्रति क्या होता है ना, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को वो फीलिंग आती है, बहुत सारे लोग बाथरूम में जाके रो के वो फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर पाते, बाहर आके छुप छुप के सबको बताते हैं, लेकिन ओपनली किसी को बोलने की हिम्मत किसकी नहीं बात है। कर रहे हो आप? हाँ, किसकी बात कर रहे हो? बहुत है ऐसे, एक नाम ऐसा, एक मोमेंट आता है कि मैं थक गई हूं गेम से, तो नाम चल रहा है आपको, कोई भी नहीं थकता, मैं तो बिल्कुल भी नहीं थकती, आप तो बात ही नहीं करती हो क्योंकि आपको इमोशन है ही नहीं। हां, मैं तो ऐसे ही रोती रहती हूं, नाटक करती हूं, ग्लिसरीन डालती रहती हूं, नाटक करती है तू, वो भी कोई नई बात नहीं है, ऐसे ही मेरे को रोना आता है और नाटक करती हूं, आई डोंट वांट टू बिकॉज़ शी इज एंडलेस, वो खत्म ही नहीं होती उसकी बात, तो बहुत, अभी तो खैर पूनम नहीं है, पर पूनम वैसे बात करती थी, अंजलि ने वैसे एक दो बार बात की है, मैंने बोला है, तूने मेरी तरीके से नहीं बोली है, लेकिन तूने भी वो फीलिंग लाई है, डोंट ट्राई एंड प्रिटेंड कि नहीं लाई है। आप ये चीज बोल रहे हो कि वॉशरूम में जाके रोई, वो मेरा रीजन अलग था, मैं वो नहीं बोल रही हूँ, मेरी माँ, मैं तुझे अटैक नहीं कर रही हूँ, हर चीज तेरी अटैक नहीं होती है, मैं चाहती हूँ अंजलि जाए और वो ही जाएगी। अच्छा, मतलब ये चाहती है कि मैं फाइनल्स में भी जाऊं, और ये चाहती है कि मैं बाहर नहीं नहीं ये आप क्या चाहते हो, कौन जाए और हुआ भी वही, कौन जाएगी, तो वो तू ही है बस। अच्छा अच्छा, हाँ, सबसे ज्यादा नाम किसका लिया गया? आई थिंक सो, व्हाई डू दीस पीपल थिंक कि आप जाना चाहिए कल की वजह से? आई थिंक यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि मैं एक ऐसी इंसान हूँ जो एक्सप्रेस करती है, मैं कम्युनिकेट करती हूँ, मैं डरती नहीं हूँ कि उसकी रिपरकशंस क्या होंगे, तो अगर वो बात है कि मुझे आज घर जाने का मन हो रहा है, या आज ये जो मैंने किया है मैंने मेरे दोस्त के लिए किया है, ये मैंने मुनव्वर के लिए किया है, ये मैंने पूनम के लिए किया है, तो मैं वो खुल के बोलती हूँ, ये नहीं सोच रही हूँ कि इसके रिपरकशंस क्या होंगे। आप यहाँ पे जब आए थे तो आपको पता था कि कोई आपका दोस्त बनेगा या नहीं बनेगा? यस, फर्स्ट डे पता था? नहीं नहीं ना, नहीं। कोई दोस्त था तब आपका? नहीं। पहले के एक हफ्ते में भी कोई दोस्त था? नहीं। अभी भी कोई दोस्त नहीं आपका? ठीक है। yeah. और अगर जो होगा ना वो शो के बाहर भी रहेगा? यस। yes. और जो नहीं होगा वो नहीं है, अगर आप किसी को ट्रॉफी पकड़ा के जाओगे ना वो तो खुश हो जाएंगे, यू विल बी सिटिंग एट होम विद द ट्रॉफी एट समवन एल्सेस हाउस, और आप सोच रहे होगे कि काश यार क्या मैंने नहीं बोला होता यार। दोस्तियां रहेंगी, अगर रहनी होंगी दोस्ती भी उतनी निभाओ भाई, अब तो लास्ट के दिन आ गए, दोस्ती भी उतनी निभाओ जितनी तुम्हें जितनी लगे है ना, जो तुम्हें हजम हो, ये ना हो कि दोस्ती के चक्कर में भाई प्लेट तुम्हारी पड़ी है खा कोई और गया। अंजलि, साइशा, मुनव्वर, आजमा, पायल, सारे आप लोग इस तरफ आ जाए, आप लोग इस तरफ आ जाए। अच्छा ये बात बताओ कि अब जाने से कुछ होगा क्या, फर्क पड़ेगा क्या? वो कौन, क्या लगता है कौन जाएगा? मुझे लगता है इन लोगों के बारे में क्या लग रहा है आप लोगों को? डू दे डिजर्व टू बी इन द फाइनल? या टॉप 5? यस। मोर देन यू? नहीं, हम नॉट मोर देन मी, कुछ बोलेंगे नॉट मोर देन मी। इन दोनों में से कौन कम डिजर्विंग है आप लोगों के हिसाब से? शिवम।
कम डिजर्विंग है तो हम भी सारे पत्ते नहीं खोलते। प्रिंस भाई अकेले सब पे भारी थे और प्रिंस भाई ने बोला भी था कि सब मिलके वो कर दो, पर अगर सब लोग मिलके प्रिंस भाई को निकालने की कोशिश करते ना तो प्रिंस भाई के चांसेस और बढ़ जाते, क्योंकि प्रिंस तब सबसे लड़ रहा होता। मैं एक बात सोच रहा हूँ कि यार तुम लोग बाहर के हिसाब से कितना सोचते हो ना, कि अगर वो लड़ेंगे तो वो बाहर दिखेंगे, लड़ाइयाँ क्या पता ना अच्छी लगती हो, शायद वो लड़ते और वो ना अच्छी लगती। शायद पे खेलता हूँ मैं, मुझे लगता है कि ये बैड एस, इन्होंने बैड एस ने सीरियसली ले लिया। बैड एस होने के लिए कभी भी लड़ाई जरूरी नहीं है, बैड एस तुम्हारे और भी हरकतों से हो सकता है, हम अच्छे से भी हो सकते हैं। मैंने दो बार लड़ाई करी है, जो भी पर्सनल होती गई। आप तो बंद ही रहो यार, आप तो बोलो ही मत। ऑप्शन नहीं था, अगर ये लोग डिजर्विंग कैंडिडेट को नहीं देंगे तो मैं क्या कर सकती हूँ, क्या करूँ? ऑप्शन नहीं था, मुझे वोट बैक छोड़ना था। मैं अंजलि को कैसे देती जब उसने मुनावर को दे दिया? अरे जो पहले दिन से आया है उसको वोट मिलना चाहिए था, जो पहले दिन से आया है उसको मिलना चाहिए था वो। अगर आप ये सोच रहे हैं अगर मेरा पहले दिन से आया है वो आगे जाना चाहिए था, तो ये आपने गेम अपना खुद खराब किया। मैंने खुद खराब नहीं किया, मैंने अपना गेम किया है, क्योंकि मेरे साथ जो हो रहा था मुझे लगा सबका गेम खराब हो। एग्जैक्टली, तो सबका गेम खराब हो, दिक्कत नहीं है फिर। तो जो 500 का विनर है सबका गेम खराब हो रहा तो कर दो ना, उसने वोट दे दिया और तुम फाइनल में आ गए। एक बात बोलूंगा मैं बस, अभी आप लोगों की कॉन्वर्सेशन के बाद कि अब पछताए होवत क्या जब चिड़िया चुग गई। कोई नहीं पछता रहा भाई, ऑप्शन नहीं था मेरे पास। अगर मेरा गेम खराब हो रहा है तो सबका गेम खराब हो, बात खत्म। मतलब मैं तो डूबोगे सनम, तुम्हें भी ले डूबूंगा। क्यों ना लेंगे तुम भैया, अगर मैं डिजर्विंग कैंडिडेट हूं, मुझे वोट नहीं मिल रहा, सेकंड टिकट तो फिर फाइनल नहीं मिल रही, तो मैं भी गेम करूंगी। ऐसा बैडेस नहीं देखना, तो बस देखो चिराग का मेरे वाला बैडेस है, ये नकली बैडेस है, बिल्कुल नहीं बन सकते फाइनलिस्ट। मैं बन के दिखाऊंगी, जीत के दिखाऊंगी, देख लेना। ऐसे लोगों को जनता वोट देगी भी नहीं आगे, वो देख लेना, बिल्कुल भी नहीं देगी, वो देख लेना। फाइनलिस्ट तो आप बनने से रहे, क्योंकि अगर आपने ये जो शब्द बोल दिया ना, मैं तो डूबूंगी सनम, तुम्हें भी ले डूबूंगी, ऐसे इंसान की जरूरत नहीं है पृथ्वी पर, प्लीज। थैंक यू साइशा, आ जाओ जल्दी जल्दी से, एक एक नाम आप पांचों में से कौन बाहर जाएगा, एक एक नाम जल्दी जल्दी बोलो, सोचना नहीं है। हाँ साइशा, आजमा, मुनावर, आजमा, आजमा, अंजलि, यस साइशा। सो गाइस ओके, अब एक्चुअली वो घड़ी आ गई है कि आप लोगों ने जितना जितना समय इस घर में बिताया है सब याद कर लो। वो कहते हैं कि मरने से पहले ना 7 सेकंड अपनी पूरी जिंदगी फ्लैशबैक में दिखाई देती है, तो सारा फ्लैशबैक ले लो जितना ले सकते हो, ठीक है? तो अब वो घड़ी, वो पल जो सुबह से लेकर शाम तक आपने यहां पे बिताया है, वो आ गया है कि मैं अब वो एक नाम लूं और सबकी नजरें यहां पे आ जाए, क्योंकि त्यौहार का दिन है, तो इसीलिए आज त्यौहार के मौके पे रिलीज होगा तुम में से कोई नहीं लेकिन मेरा गाना। ओके बोला ना, बोला ना, गाने का नाम है सुबह से शाम एंड शिप्रा ने गाया, शिप्रा गोयल एंड मधुर।
ऐसे बेलगा क्यों ऐसे बेलगा ओके जैसे कि त्योहार का मौका है ईद भी है अक्षय तृतीया भी है तो टेक इट इजी गाइस यस इतना प्रेशर मत लो अपने ऊपर कि पागल हो जाओ लेकिन लेकिन कल को ही जाएगा कुछ ही दिन बाकी है यस और इन दिनों में एक ही जीतने वाला है यस बिल्कुल यस टफ फाइट प्लीज बिकॉज फाइनलिस्ट खड़े हैं दो बिल्कुल उनको तुम अभी नहीं हिला सकते स्टेज से पहले नहीं यहाँ से स्टेज पे हिलाएंगे लेकिन अभी स्टेज पे वोटिंग चालू है सबकी वोटिंग चालू है यस वोटिंग में तो बहुत भरोसा है अपने को ओ गॉड और अब क्या चार चार इविल आई क्यों वो क्यों नहीं सही समय पे तुम्हें पता लग जाएगा सही समय में एकता में मार मैं आप लोगों के लिए सबके लिए बाहर इंतजार कर रहा हूँ आई वॉन्ट टू सी द विनर जो हकदार है मेरी नजरों में तुम सब जीत चुके हो तुम सब ने अभी तक टक्कर की फाइट दी है सब ने एक एक ने अपने मूवमेंट्स भी आए हैं जहाँ पे गिरे भी हो पड़े भी हो लेकिन उठ गए हो तभी खड़े हो यहाँ पे है ना कितने लोग आए कितने लोग गए बहुत गए तुम लोग खड़े हो भाई एंड गाइस गिव इट योर ओके यस नहीं मशक्कत के बाद आएंगे ओके गाइस आई विल सी यू थैंक यू सो मच थैंक यू ग्रेट मीटिंग यू आई होप यू गाइस एंजॉयड द सॉन्ग रियली रियली मुझे बहुत मजा आया यहाँ पे आने के बाद इतने टाइम बाद आया दोबारा एक बंद जगह पे आया हूं बाय 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 Guys, give it your all. Yes, yes. Thank you. Bye. 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 पायल एक चीज मेरे को वो थोड़ी अजीब लगी मैं आपसे क्लियर ही कर लेता हूँ बताओ आपने कल मुझसे जब बात करी जब आपने बोला कि
मेरा आपको देने का रीजन ये था क्योंकि मेरे को लगता है कि गेम में मेरे लिए वो है और मैं नहीं चाहती कि आजमा जाए, है ना? नहीं नहीं नहीं, कब आजमा जाए? मैं तो कल ना कल... जाए फिलहाल तो... क्योंकि आपको लगता है कि वो सीट आपके लिए कम हो जाएगी, है ना? पर आज जब आपसे पूछा गया कि कौन ना जाए, क्योंकि मेरे बाजू में खड़ी थी, बाजू में खड़ी थी, तो मतलब और मैं, और फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने जो आपको बोला मैंने कैमरा के सामने बोला, बट राइट नाउ मुझे नहीं बोलना था उसके सामने। अरे तो गई, तो अभी बात खोल रहे हो, ट्रस्ट कैसे कराओगे आप? क्या क्या चाहते हो? सुनो, देखिए, सुनिए, अब मुंह पे बोलो ना सबके, क्या हो, टेंशन क्या है, खत्म क्या है? मुंह पे बोलने की बात देखिए, मैं तो रिलेशन थोड़ी स्टोर चलाना बाहर जाके, क्या है? मैं मुंह पे तो बुला लो, बात करते हो और क्या, बात करते हैं वैसे ही, सामने करते हैं ना? हां सामने करते हैं, वैसे ही पूछना यार। हां करो सामने। आजमा, आजमा, हां चलो, हमारी मेरी और इनकी सुबह बात हुई थी, टमाटर को टमाटर मारेंगे, टमाटर आलू जो मार रहे मारो, ठीक है ना? बट मैं चाहती हूं, मेरे को पता है कि ये रहने वाले, मुझे समझ नहीं आ रहा कि कल झूठ बोल रहे थे या आज? नहीं, मैं अभी झूठ बोल रही थी। तूने अभी बोला है कि मैं अभी झूठ बोल रहा हूं? झूठ बोल रहे हैं। आजमा मेरे सामने खड़ी थी, आजमा इसने बोला कि आजमा मेरे सामने खड़ी थी, इसलिए बोला। वी हैव डिफरेंट, वी बोल रही थी कि हमको एक दूसरे को सपोर्ट करना है, बट अभी मुझे क्वेश्चन नहीं पता चला। टमाटर मार, अभी मुझे क्वेश्चन नहीं पता चला। टमाटर मार, टमाटर मार, टमाटर मार, ये टमाटर मार। नहीं खाने का वो नहीं कर सकते। अरे खाने का मतलब मुंह पे तो बोल, टमाटर मार। एक्सक्यूज मी, अभी मुझे क्या पता था वो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? मार 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 मार, रुक जा। आजमा सर खा गई बोल कर कि ले टमाटर खा, आलू खा, तुमने मेरा नाम नहीं लिया, समझ नहीं पड़ा है क्या हुआ है? देखो आजमा, लिसन, डिसीजन थी कि आजमा और नरूला में से आप किसको चाहते हैं कि जाए और कौन जाएगा। अब जब मैंने आजमा और नरूला ये जो टास्क हुआ था, तब एक दूसरा माइंडसेट था, वो माइंडसेट मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया, जहां पे मैंने देखा मुझे कोई वोट नहीं आ रहे, तो जब मुझे कोई वोट नहीं आ रहे है और आजमा जो वाइल्ड कार्ड है, नहीं बोला था कल कि प्रिंस मैं चाहती थी कि आप जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी आजमा जाए, क्योंकि मुझे नहीं टफ नहीं हुआ, मुझे बिकॉज मुझे एक वाइल्ड कार्ड नहीं चाहिए वहां पे फिनाले लिस्ट में, बट मुझे नहीं चाहिए एक वाइल्ड कार्ड एज कम्पेयर टू मी, जो मेरे हिसाब से तभी मेरे पे गेम खेल गई। लो टमाटर मारो। हाँ तो ऐसे बोलना चाहिए था। हाँ, मैं फिनाले में जाऊंगी तुम्हारे से पहले। तू मस्का नहीं लगा रही थी? मैं तुम्हारे को समझा रही थी कि मेरा नाम क्यों नहीं लिया, तो तुम्हारा नाम मैं क्यों लूँ? मुझे तो फिर इसलिए मैंने नरूला का नाम लिया। तुमको ये चिल्लाने की वजह से वोट कम आते, पता है लोगों को चिल्लाना पसंद नहीं है, जो तुम भोगती फिरती हो ना हर कोने में लोगों के, और जो गेस्ट आते हैं उनके सामने भी भोगती हो, तुमको देख के तो गेस्ट अपने घर टमाटर ले लो, शांति पूजा करता होगा शांति की, कितनी बड़ी चुड़ैल से पाला पड़ गया उसका। आलू मारो, ये ले आलू, आलू, ये टमाटर, अच्छा टमाटर ले लो, तो छूट कर आई है ये, टमाटर ले लो, टमाटर लाल लाल टमाटर, टमाटर अभी अभी देखो लाल लाल, अभी तुम क्या कर रहे हो, ये पर्सनल हो रही है, मेंटल हॉस्पिटल हो रही है। अभी मैं आपको बता रही हूँ, एक्सक्यूज मी आजमा, गेम के हिसाब से मैं नहीं चाहती कि एक वाइल्ड कार्ड पहले जाए, जो वाइल्ड कार्ड को मैं समझती हूँ, हाँ आप हो, मगर एक वाइल्ड कार्ड जा रही है जिसने मेरे साथ गेम खेला, तो मैंने गेम खेला सबके साथ। एक चलता फिरता कॉन्ट्रडिक्शन है, वो आज एक चीज बोलती है, एक सेकंड बाद दूसरी बोलती है, तीसरा दूसरी बार। तो फिर ये क्लेम मत करो कि पायल रोहतगी इस जेल में मुंह पे खेलती है। पायल रोहतगी दो दिन पहले अपने हिसाब से गेम खेलेगी, जब उसके दोस्त उसकी दोस्ती का सो कॉल्ड मजाक बना के रखेंगे, ठीक है ना? दो कॉल दोस्ती बना का मजाक बना के रखेंगे। तुमने लात मारी है, तुम लोगों की, मैंने कहा लात मारी है, ये तुम्हारे लिए खेलता था, तुम इसको हर बार जलील करते हो, तुमने इसको प्रोवोक किया और मेरे को प्रोवोक किया, तो मैं हो गई प्रोवोक, तो मैं हो गई प्रोवोक, हो गई ना? हाँ बात मेरी गलती है, तो मैंने उसके बाद उससे माफी मांगी, बात खत्म। Damage is done. Damage is not done. It shows what a mind game player you are. That's it. Thank you. Mental, I take it as a compliment. It is not a fucking compliment. It is compliment. It is not a fucking compliment. It is compliment. It is not a compliment. Munawar Faruqui, tera game plan. You play mental game. मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ. You play mental game. It is not a fucking compliment. अच्छे से जानती हूँ. अबे चार अरे रहने दे यार. अरे रहने दे. तू लोगों को depress करता है. बात मत कर. एक हफ्ते लड़ाई करवा के बात करता है. चुप रहे. हो गया ना नरूला? क्या? जो करना था मैंने क्या करना, मैं तो सच बोला आके क्या ही हो गया अरे अभी भी तुमने झगड़ा लगा दिया उसकी बेस्ट फ्रेंड के साथ, उसकी जिंदगी का सबसे बुरा वाला झगड़ा, ऐसे मत बोलो यार, और फिर भी प्रिंस नरूला तुमसे तालियां आलियां मारती, तुम समझे यार? समझ में आया क्या? मेरे को तो तेरे से पहले समझ में आया, तेरे को बार बार आके समझाया, मेरे को भी समझ में आया। सुनो, खेलो ना, वैसे दोस्ती करो ना,
नहीं मैं पता क्या मैंने इसको क्यों मेरे को क्यों बुरा लगा दोस्ती करने आ रही है पायल क्या मैं इसे पहन सकती हूँ मैंने ये पहन लिया है क्योंकि मैं अपने आप को फाइनलिस्ट मानती हूँ मैंने पहना है क्योंकि मैं ईविल आई से प्रोटेक्ट होना चाहती थी मैं देख रही थी क्या हुआ क्या हुआ उसने नेकलेस निकाल के पहना है डोंट फील वेरी दिस थिंग फील व्हाट आई एम जस्ट फाइल अर्न करना पड़ता है अर्न मैं बात कर रही थी कैमरा में जेलर साहब से अर्न करना पड़ता है चोरी से चीज नहीं मिलती रिलैक्स मैं बात कर रही थी मुझे पसंद आया मैंने चेक किया और मैंने जेलर साहब को बोला कि इफ इट इज जेलर साहब थोड़ी सुन रहे अभी आपको बट दिस इज रॉन्ग ना मेरी मर्जी खुला है मैं देख सकती हूं अभी मर्जी आपकी तो पहन के दिखाओ क्यों मेरी मर्जी आई एम नॉट हियर टू लिसन टू यू दिस इज रॉन्ग ना सब बैठे नेकलेस डाल के घूम रही है सोच आई वहां से देखो गार्ड मेरी गार्ड तो हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि मैं उसको हां भाई टच भी कर दूं शीशे को भी टच कर दूं ऑन तू पहना क्यों आपने मेरी मर्जी नहीं आप मेरी आपकी मर्जी थोड़ी चलेगी यहां पे जो चार मूवी देख के चोर मचाए हां चोर ये शो ये चोर और मेरे को लग रहा है इनको लगा कि ये भी टास्क है ये टास्क है कि चोरी करके पहनना मतलब इजी है भाई आप जब डिजर्विंग के लिए तो क्यों पहन रहे हो ये अर्न करना पड़ता है भाई मैं कुछ करके आप ले जाए ऐसा सिंह की मूवी थी सब लोग नो दिस इज रॉन्ग ना व्हाई इज इट रॉन्ग दिस इज रॉन्ग आई हैव स्पोकन टू द कैमरा तभी आए हैं ना आपको उठाने के लिए बट मैंने उनको मैंने ही बोला भेजने के लिए मैंने खुद बोला भेज दीजिए मैं तो ये अच्छा लगा मैं पहन सकती हूं कि नहीं पहन सकती हूं क्योंकि यहां पे ताला नहीं लगा अरे पहन सकती नहीं पहन सकती उन्होंने बोला कि ये बात नहीं मिलेगा आपको फट क्यों रही है फट क्यों रही है आप गलत कर रहे हैं ना तो क्या प्रॉब्लम है दिस इज रॉन्ग व्हाई इज इट रॉन्ग हाउ डू यू डिसाइड यू हैव टू अर्न दिस हु आर यू टू टेल मी एनीथिंग आई एम प्रिंस नरुला यू हैव टू अर्न दिस मैं इस घर का सदस्य हूं ओके यस आई एम फाइनलिस्ट फाइन ना आपको अर्न करना है ऑन इट हमें पता नहीं हमने कितनी मेहनत करी इसको अर्न करने के लिए इनको मैंने तुमसे ज्यादा मेहनत करी आपने सिर्फ बकबक करी तुम्हारी क्यों फट रही है सिर्फ बकबक करी क्यों फट रही है जब मैं चौथा फाइनलिस्ट बन रही हूं क्यों फट रही है चेक करो यहां पे खड़े होकर चेक करो फट गई चेक करो फटी तो आ गए सारे लड़ने के लिए ये ईवल आई आपके लिए लगाई है पहनाई गई हमको ताकि आपकी प्रकोप ना हम पर ओह माय गॉड मैंने चोरी नहीं करी ठीक है ना समझ नहीं पड़ा हो ना तो समझ जाओ बेवकूफ लोग ये उल्टा क्यों लिखा तुमने चोर है इधर से देखो इतिहास में किसने इतनी गालियां निकाली होंगी यस और देखो वो काम ही ऐसे और कैसे काम है आपके कितनी फट रही है फाइनलिस्ट की फट रही है 48 रखी है चेक करो
क्या हुआ क्या